हेलो एवरीवन। तो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी करनी है तो पहले ये समझना हो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे वेनेसडे फ्राइडे आते हैं मेरे 11 के लेक्चर्स एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं मेरे 12 के लेक्चर्स। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको उस टॉपिक के लेक्चर के बाद नहीं, टॉपिक खत्म होने के, हो सकता है एक टॉपिक तीन लेक्चर्स में खत्म हो, तो जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी उसी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट की लिंक, जो एक पीडीएफ होगी, एंड देन असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन, जिसकी लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो डेडिकेटेड लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड इस साल आप नीट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक पे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब हम करते हैं किसको, अब हम करेंगे रिलेटिव फ्रेम को, जहां पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स या डिपेंडेंट बॉडीज हैं। तो अभी हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन में, हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी किस चीज को नाम दिया था, मैंने आपको बताया था, जिसमें इंडिपेंडेंट मोशन होता है। अब हम आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, हमें इसे कहना चाहिए रिलेटिव मोशन। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव मोशन, लेकिन अब किस चीज का, रिलेटिव मोशन जहां पर डिपेंडेंट मोशन है। कैसा मोशन है, डिपेंडेंट मोशन है। अब ये डिपेंडेंट मोशन क्या होता है, मैंने आपको इसमें पहले से ही प्रॉब्लम बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं आपको। बलून स्टोन प्रॉब्लम, फिर मैंने आपको बताया था और लिफ्ट स्टोन प्रॉब्लम, फिर मैंने आपको बताया था इसमें लास्ट में रिवर बोट प्रॉब्लम। इतनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, तो आप ध्यान से देखना है रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है, इसका सारा कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट मोशन होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, मोस्टली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से, एक दूसरे के अंदर होके। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, फिर उसकी थ्योरी भी आपको समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलेगा कि एक बलून है, वो राइज अप कर रहा है, बलून इज राइजिंग अप, ठीक है, बलून ऊपर उड़ रहा है और कुछ हाइट पर जाके, ग्राउंड से कुछ हाइट पर जाके उससे एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, तो बताओ कितने टाइम में स्टोन नीचे पहुंचेगा। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि जो स्टोन है उसका मोशन बलून से इफेक्ट हो रहा था। तो ये हो गया डिपेंडेंट रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट मतलब रिलेटिव, और डिपेंडेंट मतलब रिलेटिव वाला डिपेंडेंट। रिलेटिव वाला डिपेंडेंट को मैंने बोला था, नाम दिया था, क्या नाम दिया था रिलेटिव मोशन का, भी स्पेशल नाम दिया था मैंने रिलेटिव फ्रेम। एक्चुअली यहां फ्रेम का कॉन्सेप्ट आता है, बट मैं अभी ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, उसको मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ज्यादा बेटर तरीके समझाऊंगा। लेकिन फ्रेम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे नॉर्मली अभी मैं खड़ा हूं तो मैं किस पे खड़ा हूं, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड मेरी फ्रेम है। आप कहां बैठे होंगे, आपके रूम पे, चेयर पे, तो वो रूम आपकी फ्रेम है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जब इस बलून के अंदर से स्टोन को फेंकेंगे तो बलून क्या हो गया, इसकी फ्रेम हो गई है। और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपके लिफ्ट है, बोला गया भैया लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लिफ्ट के अंदर से चीजों को फेंक दिया गया, है ना, फेंक दिया गया किसको, स्टोन को फेंक दिया गया मान लो, तो फिर क्या होगा, है ना। या लास्ट प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो हो जाएगी रिवर है, रिवर पे एक बोट चल रही है, बोट का मोशन कैसे इफेक्ट होगा वो समझाओ। तो ये सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत आराम से समझ आ जाएगी। मतलब इसमें जनरली क्या होता है, अगर मैं बहुत जनरल लेवल पे समझाऊं तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक के अंदर एक होते हैं। मतलब एक होता है ऑब्जेक्ट वन, एक होता है ऑब्जेक्ट वन जिसको मैं कहता हूं फ्रेम, जिसको मैं क्या कहता हूं फ्रेम। आजकल मैं आपको फ्रेम भी समझा दूंगा क्या होगा, मतलब कौन कौन चीजें फ्रेम में आती हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो एक होता है ऑब्जेक्ट वन जिसको हम कहते हैं फ्रेम, उस फ्रेम के अंदर होता है एक ऑब्जेक्ट टू। तो ध्यान समझना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये चीज। अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर्स क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या है ये, ग्राउंड है ना ये, तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, और ये वेक्टर क्या हुआ, ये वाला वेक्टर हुआ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, और ये होगा फ्रेम विद, सॉरी, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे मैं बता रहा हूं, ये सब सिंपल है, लॉजिकल बात है। ये फ्रेम को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ग्राउंड के। ये ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, फ्रेम के, और ये ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ग्राउंड के। आपको निकालना क्या है, एक्चुअली में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सोचो ऐसे बलून से अगर मैं स्टोन बाहर फेंकता हूं तो किसके रिस्पेक्ट में नीचे गिरेगा, फिर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे गिरेगा। अगर मैं बोट का मोशन देखना चाहता हूं तो कहां से देख रहा हूं, तो मुझे पता चलेगा बोट मूव कर रही है, बोट के अंदर से तो देख नहीं सकता, तो कहां से देख रहा हूं, ग्राउंड से देख रहा हूं। अगर मैं लिफ्ट के अंदर से स्टोन फेंकता हूं तो किसके रिस्पेक्ट में वो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे या ऊपर जाएगा। तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करनी होती है। तो आप सीधे याद रखेंगे, जैसे आपने VAB याद लिखा था रिलेटिव वेलोसिटी में, जहां इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं,
जहां इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं वहां आपने याद रखा था VA माइनस VB, जहां डिपेंडेंट मोशन होता है आप याद रखेंगे V ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं इसको कहता हूं स्टेप मेथड। मैं क्या कहता हूं उसको स्टेप मेथड। स्टेप मेथड क्या है ध्यान से समझे, कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। देखो ध्यान से, यहां ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर फ्रेम है, या ग्राउंड यहां पर ग्राउंड बना लेते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां पे क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहां ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या है, फ्रेम है जो कि बलून हो सकता है, मतलब ग्राउंड के अंदर क्या है, फ्रेम है जो कि बलून हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है, रिवर हो सकती है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। तुम्हें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से कहां कूद रहे हैं, सीधे ग्राउंड पे। तुम्हें क्या निकालना है इसका, मतलब ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप क्या करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप कूदोगे। पहले आप कहां से कहां कूदोगे, ऑब्जेक्ट से फ्रेम पे कूदोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से फ्रेम पे कूदना बहुत आसान है, जैसे कि बोट रिवर प्रॉब्लम में देखो, बोट से कहां कूद सकते हो, रिवर पे, फिर रिवर से कहां कूद सकते हो, ग्राउंड पे। तो आप कैसे देखेंगे, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरीके से आप जाएंगे। जैसे वहां पे VA माइनस VB आया था, यहां पे एडिशन आता है, और कैसे आता है, एक के बाद एक ऐड करते जाते हैं, ऑब्जेक्ट की फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं आपको बताता हूं उसका एप्लीकेशन, देखें जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सिंपल फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला क्या याद हो गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, वो बन गया वी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हो गया वी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस वी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपका आ गया एक बलून है। अब बलून इज राइजिंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ, एक बलून है बेटा, वो राइज अप कर रहा है वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, मान लो वो राइज कर रहा है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड से, और बोला है कि जब वो 500 मीटर पर पहुंच जाता है तो वहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। अब तीन क्वेश्चन बना देते हैं बलून वाले। अब मैं बलून स्टोन प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसे सब कुछ आपको पहले ही दिखा दूंगा एक साथ। बलून स्टोन में तीन चीजें बन सकती हैं, क्या हो सकता है, पहला आपको स्टोन को ड्रॉप किया जा सकता है, तो स्टोन ड्रॉप। दूसरा क्या किया जा सकता है, स्टोन को थ्रो किया जा सकता है, स्टोन थ्रोन। कहां थ्रो किया जा सकता है, ऊपर। तीसरा क्या हो सकता है, फिर से स्टोन थ्रोन नीचे। तीन ही तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बलून में से स्टोन फेंकने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तीन। एक बार ड्रॉप कर दिया जाएगा, एक बार ऊपर फेंक दिया जाएगा, एक बार नीचे फेंक दिया जाएगा। अब ध्यान समझना इस चीज को, ध्यान से इस चीज को यहां पे देखना क्या होगा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है, जैसे ही आप इसको चाहे ड्रॉप करें, चाहे फेंकें, चाहे नहीं फेंकें, तीनों केस में आपको ऑब्जेक्ट मतलब स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो आपको निकालना है वी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आ जाएगा वी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून प्लस वी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो मैंने आपको सिखाया क्या, कि जो बॉडी है उसका पहले फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखो, और फ्रेम का किसके रिस्पेक्ट में देखो, ग्राउंड का। एक एक करके उतरो, स्टेप बाय स्टेप उतरो। तो क्या आ जाएगा, मान लो पहला केस लेते हैं, केस वन लेते हैं, तो केस वन में आ जाएगा वी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी स्टोन को, जीरो दी, और बॉडी की वेलोसिटी, बलून की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, 2 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब अब ध्यान देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड देखूं इस क्वेश्चन को, कंपेयर करूं एक हाइट वाले ऑब्जेक्ट से, मतलब मान लो मैं अगर एक हाइट पे होता तो इस सेम चीज को करने के लिए क्या समझ आता मुझे, कि स्टोन एक्चुअली में ड्रॉप नहीं हुआ है, स्टोन को तो देखो कितनी वेलोसिटी मिल गई है, 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो एक तरीके से स्टोन ऐसा जाएगा और फिर ऐसे जाके नीचे आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल बात है। दूसरे पार्ट में देखते हैं इसी चीज को, उसके दूसरे पार्ट में देखते हैं, जब स्टोन को थ्रो करेंगे तो क्या होगा। तो पहले मैंने बताया स्टोन ड्रॉप, उसकी चीज मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए। दूसरा मैंने बताया स्टोन थ्रोन एट यू, या फिर मैं लिख देता हूं स्टोन थ्रोन एट 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, और तीसरा आ जाएगा आपका स्टोन थ्रोन एट 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। मैं तीनों की आपको इनिशियल कंडीशन लिख देता हूं, फिर आगे तो पूरी काइनेमेटिक्स बचती है, बेसिक काइनेमेटिक्स इनिशियली तो आपको आना चाहिए। तो मान लेते हैं एक बलून है, बलून कितनी हाइट पे चला गया, 500 मीटर पे चला गया। कभी कभी हाइट ना दी हो तो बलून के काइनेमेटिक्स से निकाल लेना, मान लो बलून 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बोल जाए 10 सेकंड बाद बताओ, तो क्या करोगे, 50 मीटर पर सेकंड बाद उसकी 10 सेकंड पे वो निकाल लेना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकाल लेना अगर जरूरत पड़े तो। अभी मैंने बता दिया आपको बलून की वेलोसिटी कितनी है, बलून की वेलोसिटी मैंने आपको बता दी है वो है आपकी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, ठीक है। आपने क्या करा, पहले स्टोन को ड्रॉप किया, तो आप क्या करेंगे, वी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, हो जाएगा वी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, दैट इज बलून, है ना,
प्लस वी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने बताया ना पहले स्टोन से बलून पे कूदो, फिर बलून से ग्राउंड पे, पहले फ्रेम पे कूदो फिर फ्रेम से ग्राउंड पे कूदो, तो क्या हो जाएगा, ये स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून देखो ड्रॉप्ड है तो जीरो, प्लस ये कितना आ गया 10 आई कैप सॉरी जे कैप ऊपर की तरफ, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 10 जे कैप, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ये पूछ लेगा, मान लो इसका क्या पूछ लेगा, बोलेगा बताओ कितने टाइम में नीचे आएगा, तो आप क्या करोगे भैया, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो निकला, और एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस जी, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव मान चुके हो, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी -500। अब इतना तो कर ही लोगे यार, अब तो इतना मिलाना आना चाहिए ना, आगे तो पूरी काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिर वही बात, आप ऊपर गए 500 मीटर पर, फिर बलून से आपने चीजों को फेंक दिया, बलून ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, अब आपने कितने से फेंका बलून को, अच्छा स्टोन को भी आपने 10 से फेंका, तो निकालते हैं भैया फिर से, फाइनल की जगह इनिशियल लिख देता हूं क्योंकि आपको पता है, फिर तो क्या होगा, फिर तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी ना स्टोन को, तो आप देखो क्या आएगा, यू ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, हो जाएगा यू ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून प्लस यू ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो आएगा। देखो स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून कितना आएगा, स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून कितना दिया 10 और ऊपर की तरफ, तो लिख दो 10 जे कैप, थोड़ी देर के लिए आईजे का यूज कर लो, और ये भी कितना है 10 जे कैप, तो कितना हो गया भैया, ये तो वेलोसिटी ऐड हो गई यार, मतलब जैसे ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कितनी आ रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ रही है आपकी 20। आप क्या करोगे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 हो गई, एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो ये आप तो बाहर आ गया ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इफेक्ट ऑफ फ्रेम समझ आया 20 हो गई, देखा उसका इफेक्ट कैसे आया, एक्सेलरेशन कितना हो गया -10 हो गया, -10 क्यों लिया बता दो जरा, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लिया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई -500 आई, क्यों, क्योंकि भैया ऊपर को पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सेम क्वेश्चन है, लिखो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगा वेलोसिटी तो इनिशियल लिख लो, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून प्लस बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो आएगा। स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून कितना है, अब नीचे की तरफ 10 है, तो याद रखना कितना आ जाएगा 10 माइनस जे कैप, और स्टोन तो ऊपर जा ही रहा है 10 से, 10 जे कैप कितना आ गया 0 आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता ही है, निकालना थोड़ी है तुम्हें पता है कितना आता है, वो जी आ गया, लेकिन कहां पे, तो तुमने नीचे फेंका तो नीचे के पॉजिटिव मान लो, तो जी नीचे, और ऐसा आपको पता है 500 है। कभी कभी ये क्या करेंगे, कभी कभी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, देखो कभी कभी क्वेश्चन में पहले ही बता देता हूं आपको, सो दैट आपको जब असाइनमेंट लगाओ कोई भी प्रॉब्लम करो तो उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ये समझ आ रहा है ना, कब पकड़ना है, जब भी दो बॉडी आए, और अब तो मैं पहले से बता दे रहा हूं ना आपको बलून प्रॉब्लम, तो आपको क्लियर रहेगा कि ऐसे करना है। जैसे कि आप आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें, आप ऐसा कर सकते हैं, ये जैसे ये बलून है, याद करो प्लेन है, प्लेन राइट में जा रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, याद है, अब उसमें से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो आपको पता भैया जैसे ही प्लेन से बाहर आएंगे पक्का दो ऑब्जेक्ट है, मतलब फ्रेम का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप पहले उसकी इनिशियल अब जीरो नहीं होगी, मतलब ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आपने एक चीज को यहां से ड्रॉप कर दिया तो सीधे नीचे गिर गई प्रॉपर एक हाइट से, नहीं, यहां पे क्या होगा आपको समझ आ गया कि भैया हमें ये निकालना ही निकालना पड़ेगा स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिस भी पैकेट को हमने उस प्लेन से फेंका किया था इवेंचुअली तो ड्रॉप किया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इससे आएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप क्या देखेंगे कि ये तो जीरो है लेकिन आपको पता है 500 है, तो एक्चुअली में क्या होगा, उसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी, स्टोन को एक वेलोसिटी मिल जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितनी 500, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा प्रोजेक्टाइल करेगा, आपको पता है, आपको समझ आ रहा है, फिर पूरा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें, इनिशियल वेलोसिटी 500 लेके आ जाएगा। अच्छा और चीजें क्या हो सकती हैं, कभी कभी ये हो सकता है कि बलून या प्लेन की वेलोसिटी ना दे लेकिन उसके निकालने के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन दे दे, जैसे बोले कि ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बलून है वो राइज अप कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बोलता है 5 सेकंड बाद, आफ्टर 5 सेकंड हमने एक स्टोन थ्रो कर दिया जीरो वेलोसिटी से इसमें से, ठीक है 5 सेकंड बाद स्टोन थ्रो कर दिया, तो बताओ स्टोन कितनी देर में नीचे आएगा, क्या क्वेश्चन है, बलून है, बलून एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5 सेकंड बाद हमने एक स्टोन को थ्रो किया, ड्रॉप कर दिया एक स्टोन को, बताओ कितने टाइम में स्टोन नीचे स्ट्राइक करेगा, और बस इतना आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, पहले तो भैया 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी निकालो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जब 5 सेकंड बाद निकलेगी तभी तो उसकी वेलोसिटी निकलेगी, तो सबसे पहले तो आप बलून की वेलोसिटी निकालो, v इज इक्वल टू u प्लस at करके, समझ आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन में क्या होता है, हर चैप्टर यूज होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at करो तो 0 प्लस, मैंने 0 क्यों ले लिया, क्योंकि भैया जब भी एक्सेलरेटिंग मोशन हो इनिशियल ना दिया तो 0 ले लेते हैं, 3 इंटू कितना सेकंड 5, कितना आ गया 15 सेकंड, तो v कितना आ गया 15, अब हम जाएंगे, मतलब जब आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैंने फिर बताया था असाइनमेंट मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद, तो अगर ये लास्ट
वीडियो है इस टॉपिक का, तो देन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड देन उसका वीडियो सॉल्यूशन का लिंक। डेडिकेटेडली लेक्चर्स को देखिए एंड दूसरे वीडियोस भी चैनल पर जाके चेक कीजिए जो आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को बहुत एनहांस करेगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को सो दैट और लोग इस सेशन को देखें एंड हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो और अच्छी हो एंड जो पढ़ने में जब मज़ा आता है तो वो और मज़ा बढ़ जाएगा। चलिए।